हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जोजस हिस्ट्री। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं आज का डेली करंट अफेयर्स का शो लेकर आई हूँ, जो हमारी क्लास फोर्थ है। आज है डेट 13/2020, और हम आपको इस वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर्स की जानकारी देते हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम, चाहे UPSC हो, SSC हो, CGL हो, CHSL हो, IBPS हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें हमारा करंट अफेयर्स आता है, उसके लिए आपके लिए, उस एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है एयरपोर्ट काउंसिल, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार उत्सर्जन को कम करने के लिए कितने भारतीय हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो इसका आंसर होगा चार। हमारे देश के चार एयरपोर्ट्स हैं जिनको ये मान्यता मिली है। उन चार एयरपोर्ट्स के नाम क्या हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि उड़ीसा में है। तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूपी में है। चौथा है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केरला में है। अगला हमारा पॉइंट है, किसे हैदराबाद में प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन, ठीक है। और आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने किस बैंक से स्वतंत्र निदेशक, जिसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं, के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर होगा यस बैंक, ठीक है। तो यस बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यस बैंक जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। CEO हैं रवनीत गिल। ये हमारा किस सन से शुरू हुआ है? 2004 से। इसके चेयरमैन हैं ब्रह्मदत्त, और इसके जो फाउंडर हैं अशोक कपूर और राणा कपूर। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। और ये हमारा यूथ डे है, जो किसके नाम से मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के नाम से ये मनाया जाता है। उसकी शुरुआत 1984 में हुई थी, और इनका जन्म, जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो स्पीच कहाँ दी थी, कब दी थी? इन्होंने स्पीच दी थी शिकागो में 11 सितंबर को दी थी। और इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था। इन्होंने किस मिशन की शुरुआत की? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, नालबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो नालबाना पक्षी अभयारण्य जो है उड़ीसा में है। और उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, और विधानसभा में सीटें हैं 147, लोकसभा में सीटें हैं 21, राज्यसभा में हैं 10, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 30 जिले हैं। और उड़ीसा की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया, और इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, और इसका जो स्वीट है जो वो है रसगुल्ला, और इस रसगुल्ले को हमें इस रसगुल्ले को GI टैग भी मिला हुआ है। आगे चलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई व्यापार और यात्रा विनियम, ठीक है, जिसे हम साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सपो कहते हैं, 2020 का वो 27th एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये है नई दिल्ली में किया गया था। आगे चलते हैं। केरल ने वनों की कटाई को रोकने की किया है, इस विधि को जापान में विकसित किया गया है, ठीक है। हाँ, तो जापानी जो वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है, वो कौन थे? जापानी वनस्पति शास्त्री जो थे, उनका नाम अकीरा मियावाकी था, ठीक है। इन्होंने यह पद्धति विकसित की थी, इन्हीं के नाम पर ये पद्धति का नाम हुआ है। और हम केरल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो केरल के जो CM हैं उनका नाम आरिफ मोहम्मद है, ठीक है। और केरल की जो राजधानी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल के जो गवर्नर हैं वो वीना राय, ठीक
ठीक है। और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, वहाँ की लैंग्वेज मलयालम है, और लोकसभा में 20 सीटें हैं। आगे चलते हैं तो भारत ने अपने किस विमान वाहक पोत को उस समय अरब सागर में तैनात किया जब चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में 9 दिवसीय मेगा नौसैनिक अभ्यास सी गार्जियन कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा INS विक्रमादित्य। आगे चलते हैं तो वो है किस राज्य ने अम्मा वोड़ी योजना शुरू की? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शुरू की गई, या ये योजना है जो वो वहाँ के CM जगन मोहन ने शुरू की है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे के जो 12th के छात्र हैं उनको 15,000 रुपये प्रति 12th के छात्र से जो ऊपर के छात्र हैं ठीक है उनको 15,000 प्रति वर्ष रुपए मिलेंगे। और आंध्र प्रदेश के बारे में अगर कुछ जान लेते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है हमारा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 13 है, CM जगन मोहन है और गवर्नर जो है विश्वभूषण हरिचंदन है। विधानसभा में 175 सीटें हैं, लोकसभा में 25 हैं, राज्यसभा में हमारी हैं 11 और विधानसभा में हैं 58। और सबसे बड़ा शहर वहाँ का विशाखापट्टनम है, भाषा वहाँ की तेलुगु है, वहाँ का डांस कुचिपुड़ी है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है विश्व में, ये आपका क्वेश्चन आफ्टर डे है और आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन विश्वा इत्तेमा कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर आपको बताना है। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल जोजो सिस्टर्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना भी ना भूलें। और हमारी वीडियोस जो हैं करंट अफेयर की डेली ऐसे कंटिन्यू रहेंगी और हमारी वीडियोज़ को देखना ना भूलें। ओके, बाय बाय।